अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ इफ्तिखार अहमद, यू कंप्यूटर टीचर। तो आज हम अपना फाइनल पार्ट में बात करेंगे टेबल के। तो टेबल के अंदर जो मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि अपना हम पार्ट 1, 2 एंड 3 जो फाइनल है उसके हिसाब से ही मैं कंटिन्यू करता जाऊंगा ताकि आपको आइडिया हो जाए। और आज जो मेरी ये वीडियो है इसका जो टॉपिक है वो है टेबल को क्रिएट करना और टेबल को सॉर्ट करना। तो टेबल को सॉर्ट का मतलब ये आ रहा है कि फॉर एग्जांपल आपके पास कोई ऐसा एक डेटा, एक इनवॉइस जहां पर आपके पास कोई एक नंबर ऑफ अमाउंट लिखा हुआ है और उस नंबर ऑफ अमाउंट को आप चाह रहे हैं कि यार अपना उसको मैं जो असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकूं, यानी कि जो बड़ा अमाउंट है वो ऊपर आ जाए, जो छोटा अमाउंट है वो नीचे आ जाए, या फिर अपना जो बड़ा अमाउंट है वो नीचे ही रहे, जो छोटा वो ऊपर आ जाए, तो इसको हम सॉर्ट कहते हैं। तो सॉर्ट करते कैसे इसको स्टार्ट करेंगे और जो नेक्स्ट इसी वीडियो के अंदर मैं देखूंगा कि आपको मैं थोड़ा सा गाइड करूंगा कि टेबल हम क्रिएट करते कैसे, क्योंकि बाकी वीडियो के अंदर मैंने आपको टेबल के बारे में उसका स्प्लिटिंग, उसका टेबल को क्रिएट करना ये सी चीज़ें बताई हुई। और जो मेरे दोस्त ये वीडियो मेरी फर्स्ट देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप जो रिमेनिंग वीडियो हैं तो आप देखेंगे ताकि आपको टेबल के बारे में आइडिया हो जाएगा कि यार टेबल करता क्या है, बनता क्या है और उससे हम काम किस तरह लेते हैं या ले सकते हैं। तो देर करने से पहले स्टार्ट करते हैं टेबल को स्टार्ट करना। अब ये एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एक छोटी सी मार्कशीट आपके सामने यहाँ पर रखी हुई है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि यार अपना मेरे पास जो मुख्तलिफ जो स्टूडेंट्स के नेम है, फॉर एग्जाम्पल ए टू जे लिखा हुआ है, तो इनकी जो मार्किंग है वो अपना सबसे जो कम मार्क है वो ऊपर आ जाए, जबकि हम इसको उल्टा रखते हैं सबसे ज़्यादा ऊपर आ जाए। तो ये एक अपना वैसे ही 90 यहाँ पर लिखे, तो मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर सकूँ। तो चले मैं इसको ऐसे ही करता हूँ, बीच में हमारे पास जो एफ है वो 100 है, यानी कि स्टूडेंट जो एफ है वो 100 है, तो वो टॉप पर आना चाहिए। तो अब इस टेबल के अंदर यहाँ तो मैं ऐसे करूँ कि भाई इसको मैं यहाँ से मिटाऊँ और इसको ऊपर लेकर आऊँ, फिर उसको यहाँ नीचे लेकर आऊँ, बहुत वक्त लग जाएगा। तो वक्त को बचाते हैं आपके साथ। आपको करना क्या है इस सब के लिए, आप जब टेबल को सॉर्ट करते हैं तो सबसे पहले आप टेबल को करें क्लिक, सारे टेबल को सिलेक्ट करेंगे। अब इसके अंदर कॉलम कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, तो ये 7 जो है हम मार्किंग को चेंज करना चाह रहे हैं। आप जाएंगे होम के अंदर, आपको जाना है ए टू जेड जो हमारे पास सॉर्ट है यहां पर। इसको मैं थोड़ा सा जूम करूं आपको आइडिया हो जाए। अब ये देखिए कॉलम 1, कॉलम का मतलब है ये हमारे पास जो मुकम्मल बने हुए हैं, ठीक है। हमें चेंजेस इसके अंदर नहीं करने, हमें चेंजेस करने हैं कॉलम नंबर 7। मैं आपको फिर से काउंटिंग में दिखा दूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 जो है जिसके अंदर नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। मैं चाह रहा हूं कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर हो। डिसेंडिंग का मतलब है सबसे बड़ा नंबर ऊपर आ जाएगा, सबसे छोटा नीचे आ जाएगा। तो आप ये देखें कि आपको एक आइडिया हो जाएगा। अब हमारे पास सबके अंदर जो नंबर बड़ा है वो 100 है जो एफ का है, सेकेंड नंबर पे 90 है और उससे नीचे हमारे पास 85 है। तो देखते हैं कि ये किस तरह काम करता है। आपके एक क्लिक की देर है और ये आपका काम गुड टू गो है। हियर वी गो। तो आपका सबसे पहले आ गया 100 जो 6 था, तो इसका मतलब ये हुआ फिर 95 जो मेरी नजर भी नहीं पड़ी थी, मैंने आपको 90 बताया था, तो 95 जो बड़ा था वो आपके आगे आ गया। इसी तरह आपका वैसे 60 का जो सही काम है वो होता है एक्सेल के अंदर, जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि अपना उसको प्रॉपरली हम उसका काम उससे ले सकते हैं। तो आपने ये देखा कि भाई आपने ये जो 60 है वो मुकम्मल तौर पर हो चुका है। तो अब मैं करूंगा एक क्रिएट टेबल। तो आप मेरे साथ जब टेबल को देखेंगे यार उसे बनाया कैसे जाता है, तो एक थोड़ा सा आपको मैं दिखा दूं ताकि हम उस पर काम कर सकें। अब ये एक सिंपल टेबल बना हुआ है, बज़ाहिर सिंपल, लेकिन आप ये देखेंगे कि इसके अंदर थोड़ी सी क्रिएटिविटी है। तो उस क्रिएटिविटी को हम बनाते कैसे हैं, तो आपके साथ मैं ये टेबल कंटिन्यू करूंगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हम इसको कैसे बनाते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक हार्ड कॉपी के अंदर टेबल है और आपको किसी ने कहा हुआ है कि इसको बनाना है, तो आप बनाएंगे कैसे। तो बनाने के लिए जब आपके पास एक हार्ड कॉपी का एक पेज आ जाता है आपके हाथ में, अब आपको कौन कह रहा है कि यार आप ये मुझे बना के दो, तो बनाएंगे कैसे। तो टेबल को बनाने के लिए सबसे पहले आपको ये करना है कि इस टेबल को आप नज़र में डालेंगे, इसके कॉलम कितने हैं, रोज कितने हैं, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पर ऊपर से देखूँ तो भाई 1, 2, 3 खत्म, तो ये इस तरह नहीं, क्योंकि मेरी पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको बताया कि हमें इरेजर का और हमें पेन का टूल इस्तेमाल करना होता है इस तरह के टेबल के अंदर। तो अब मुझे देखना होगा कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 हमारे पास कॉलम है और नीचे कितने हैं, 1,
10 रोज 6 कॉलम यानी कि 60 हमारे पास बॉक्सेस हैं। तो अब उसको बनाएंगे कैसे, नेक्स्ट पेज आपको मैंने बताया था, आप जाएंगे इंसर्ट के अंदर, आप जाएंगे टेबल के अंदर, आप करेंगे इंसर्ट टेबल, राइट। तो इसका एक शॉर्टकट देख लें, इसका शॉर्टकट क्या है, अल्ट्रा एन टी आई। तो हमारे पास कॉलम थे 6 और नीचे हमारे पास थे 10, ठीक है। तो जैसे ही आप करेंगे, एक आपके सामने टेबल बनकर आ गया। अब ये आप कहेंगे यार ये तो अलग है, तो आप थोड़ा सा ड्रैग करें, इसकी शक्ल का लेकर आए। अब इस पर थोड़ी सी नज़र डालते हैं, इसको मैं उस हिसाब से थोड़ा सा ड्रैग यहाँ पर कर दूंगा, वो वहाँ पर इसे ड्रैग कर देंगे, इसकी साइज थोड़ी सी हम नीचे कर देंगे, और यहाँ पर ये है एम्प्टी एरिया। तो अब इसको एरिया को एम्प्टी करना है, तो उसके लिए आप जाएंगे लेआउट, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, आप उठाएंगे इरेजर। इरेजर उठाने के बाद आपको सिंपल जो है इसको करना है इरेज। इरेज करने के लिए 1 क्लिक 2, और ये आपका हो गया सेम शक्ल बनता जा रहा है, राइट। इसी तरह आप इसको यहां पर 1 बाय 1 इसको रिमूव करते जाएंगे। नीचे 3 है और एक आपका यहां पर, ये शक्ल वही बनती जा रही है, राइट। तो एज इट इज हमारे पास एक बॉक्स बन के आ गया है। एक यहां पर एम्प्टी एरिया है, तो इसको हम इरेज करेंगे। इरेज करने का जो तरीका है मैंने आपको जैसे बताया, तो आप वैसे कर सकते हैं, अदरवाइज आप माउस पर हाथ रखें, ड्रैग डाउन करें, वो आपका रिमूव एक ही टाइम में हो जाएगा। अब मैं टाइम बचाने के लिए इसको बजाय लिखने के कंट्रोल सी फॉर द कॉपी, कंट्रोल वी फॉर द पेस्ट। अब इसकी अलाइनमेंट आप गलत देख रहे हैं, डोंट वरी, हम इसको सही करेंगे। जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि एक बॉक्स की जब हम अलाइनमेंट चेंज करते हैं, तो उसका जो तरीका हमारे पास होता है, वो तरीका ये होता है कि भाई अपना हम उसको कंट्रोल ई फॉर द सेंटर, एल फॉर द लेफ्ट, आर फॉर द राइट, इस तरह नहीं करेंगे, बल्कि हम लेआउट में आकर यहां पर क्लिक करेंगे, ये बिल्कुल सेंटर हो जाएगा। और इसको हम यहां पर, मैं आ रहा हूं कंट्रोल सी कॉपी, यहां पर आकर पेस्ट, इसी तरह इसको कॉपी और यहां पर आकर पेस्ट, इसी तरह जो नीचे वाला पार्ट है उसको कॉपी, यहां पर आकर पेस्ट, इसी तरह लास्ट वन का भी कॉपी और वहां पर आकर कंट्रोल वी पेस्ट, सेंटर जो है उसको भी कॉपी और यहां पर आकर हम करेंगे पेस्ट। अब इस मुकम्मल टेबल पर क्लिक करेंगे और यहां पर इसके कर देंगे सेंटर। अब आप इसके अंदर मिसिंग क्या है, वो है शेडिंग। तो शेडिंग का जो तरीका है, आप जाएंगे डिजाइन के अंदर, आप यहां पर पहले क्लिक करेंगे और आप जो भी शेड देना चाह रहे हैं तो आप वो शेड दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर ये दे दिया, यहां पर इस तरह आ गया और ये आपका शेड आ रहा है सेम, और यहां पर भी मैं ऊपर जो रह रहा है सेम, यानी कि हमारा टेबल एक रेडी हो गया 2 मिनट के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि मैंने आपको ये इसलिए भी गाइड किया ताकि आप ये समझ सकें कि यार जब टेबल बना रहे हैं तो उसके अंदर मुख्तलिफ जॉब्स के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें, मुख्तलिफ टाइप के आपके पास हार्ड कॉपी आ सकती है, जहाँ पर आप जो हैं ये कंफ्यूज ना हो कि यार ये टेबल कैसे बनेगा, या हमने जो वीडियो देखी थी उसके अंदर हमें ये नहीं गाइड किया गया था। तो इस वजह से मैंने अपना इस वीडियो के 3 पार्ट इसलिए बनाए ताकि मैं आपको गाइड कर सकूं कि यार अपना टेबल जब हम बनाते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, इसे जितना हम सिंपल समझते हैं उतना सिंपल है नहीं। तो आप ये 3 जब वीडियो देखेंगे तो मैं नहीं समझता कि आपको कोई भी टेबल के अंदर प्रॉब्लम आएगा जो आप ना कर सकें। कुछ चीज़ें हैं जो आपको थोड़ी सी पेज सेटअप के अंदर समझनी होगी, और पेज सेटअप थोड़ा सा आपको टेबल के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करवाएगा। तो जो पेज सेटअप है, जो मेरी ये वीडियो है अपना एक प्रिंटर, तो प्रिंटर के अंदर भी जब आप देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हम पेज का सेटअप करते कैसे हैं, या पेज में हमारे पास जो एरिया है उसे बढ़ाना या कम करना किस तरह करते हैं। उम्मीद है कि आपको अपना ये जो टेबल के जो 3 वीडियो हैं आपको ये समझ में आ गई होंगी। तो आप इसको 1 बाय 1 अपना देखें ताकि आपका टेबल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, और अपना कोई चीज़ आप जो मुझसे पूछना चाह रहे हैं तो मुझे इस वीडियो के अंदर आप कमेंट बता दें ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो उस हिसाब से बनाऊं। और जो नेक्स्ट वीडियो है वो इंशाल्लाह मैं अपना स्टार्ट कर लूँगा पिक्चर ऑनलाइन, पिक्चर शेप स्मार्ट आर्ट।
तो इनके हवाले से, क्योंकि मैं यहां पर कोशिश कर रहा हूं कि जो भी मेरे दोस्त हैं भाई हैं वो कोर्स ना करें बल्कि कोर्स इसी वीडियो के अंदर सीखें और मुझे कमेंट के अंदर बताएं, ताकि आप कोई चीज में मिस कर रहा हूं तो आपको मैं गाइड कर सकूं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दिस इज इफ्तिखार अहमद, अल्लाह हाफिज़।